अच्छा आज हम जल्दी सो जाते हैं क्योंकि तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना और मैंने बैंक जाना। मैंने ना यूनिवर्सिटी नहीं जाना, स्कूल जाना है। क्या मतलब? कौन सा स्कूल? एक एड देखी थी, वहां जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। तुमने मुझसे पूछे बगैर ही डिसीजन ले लिया? और फिर से भी तुमने तो अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। हाँ तो मेरा फाइनल ईयर है, एग्जाम्स होने वाले हैं, मेरी तैयारी मुकम्मल है। तब तक जॉब करूंगी और फिर अपने हालात बेहतर करके ना अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। मैंने तुम अपनी ये ख्वाहिश आपको लगाम था। क्यों? अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखकर उसे पूरे करना, मेहनत करने में कोई बुराई है क्या? किसी का हक तो नहीं मार रही ना, खुद मेहनत कर रही हूँ। क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रही? ये जॉब करना कोई आसान बात नहीं है। मैं जॉब गाड़ी के लिए कर रही हूँ। गाड़ी? हाँ तो मेरे पैसे गाड़ी की सारी किस्तें निकल जाएंगी। तुम मेरी आप सुबह ही जाके गाड़ी के लिए अप्लाई कर दो। मुझे नहीं पता मुझे गाड़ी चाहिए हर हाल में। बस मैं सोने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हो तुम और क्या कर रही हो? मैंने सोचा इस वक्त तो तुम फ्री होगी। अब्बा के कपड़े प्रेस करने जा रही थी। कभी तुम मेरे कपड़े भी प्रेस करोगी? नहीं। यानी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करूंगा? हमाद, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हालात बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। फिर इंसान को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब दिल टूट जाए ना आप संभालना मुश्किल हो जाता है। माम कभी कभी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना भी इंसान को बिटर एंड ड्राई बना देता है। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस वक्त सीरियस मूड में नहीं हूँ। मतलब रियलिस्टिक होना अच्छी बात है, मगर इंसान को थोड़ा फैंटेसी में भी रहना चाहिए। ओके। फैंटेसी इंसान को होप देती है। फैंटेसी और रोमांस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, वो कैसे? आंखें बंद करो और सोचो, तुम और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े फूलों भरे रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर सितारों भरी रात में पूरे चांद की चांदनी को अपने अंदर समोने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खूबसूरत होगा ना ये एहसास। फैंटेसी, आपको तो शायर होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात है, शायर के अलावा हम इंसान नहीं कर सकते। ऐसा साथ और जज्बात तो सबके अंदर होते हैं। वैसे तुमको मेरी ये बातें कैसी लगी? बहुत अच्छी। और मेरा साथ? वो भी बहुत अच्छा। इट मींस मैं कामयाब हो गया। क्या मतलब? मोहब्बत की बात मोहब्बत भरे अंदाज में आपके दिल तक पहुंचाने में, और यकीनन आप इस वक्त मुस्कुरा रही होंगी। बहुत खूब बातें करते हैं आप। थैंक यू।